बेल पर सुनवाई हुई थी, क्या फैसला आया है? बेल पर सुनवाई हुई थी, ऑनरेबल कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया है, उनको जमानत मिल गई है ऑनरेबल कोर्ट से, 50,000 की दो श्योरिटी पे जमानती दाखिल कर दिए जाएंगे। और लीजिए सर, कब तक उम्मीद करेंगे वो जेल से बाहर आ जाएंगे? देखिए अभी हमें प्रोसीडिंग करने दो, जमानती भरने की, जितना भी जल्दी होगा आ जाए। सर परवाना वगैरह आपने क्या आर्गुमेंट दिया था, उनको क्यों बेल मिलना चाहिए? आर्गुमेंट हमारा यही था कि झूठा फंसाया गया है, उससे कोई सब्सटेंस बरामद नहीं था NDPS एक्ट का, और जो पूर्व में जिससे बरामद था राहुल से, उसको बेल पूर्व में ऑनरेबल कोर्ट से मिल चुकी है। ये कब निकलेंगे जेल से बाहर? देखिए अभी हमें प्रोसीडिंग पूरी हो जाए कोर्ट की, बेल के बाद और प्रोसीडिंग्स होती हैं ऑनरेबल कोर्ट की, उसमें जमानतियों को हम श्योरिटी जो दाखिल करेंगे, उसके बाद रिलीज ऑर्डर कोर्ट से जाएगा, उसकी हम तैयारी करते हैं। सर उसका दो दोस्त जो उनका, उनके भी बेल होगी, उनकी बेल होगी, परवाना वगैरह कितने के बॉन्ड भरे हुए? उनके भी 50,000। बेल पर सुनवाई हुई थी, क्या फैसला आया है? बेल पर सुनवाई हुई थी, ऑनरेबल कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया है, उनको जमानत मिल गई है ऑनरेबल कोर्ट से, 50,000 की दो श्योरिटी पे जमानती दाखिल कर दिए जाएंगे। और लीजिए सर, कब तक उम्मीद करेंगे वो जेल से बाहर आ जाएंगे? देखिए अभी हमें प्रोसीडिंग करने दो, जमानती भरने की, जितना भी जल्दी होगा आ जाए। सर परवाना वगैरह आपने क्या आर्गुमेंट दिया था, उनको क्यों बेल मिलना चाहिए? आर्गुमेंट हमारा यही था कि झूठा फंसाया गया है, उससे कोई सब्सटेंस बरामद नहीं था NDPS एक्ट का, और जो पूर्व में जिससे बरामद था राहुल से, उसको बेल पूर्व में ऑनरेबल कोर्ट से मिल चुकी है। ये कब निकलेंगे जेल से बाहर? देखिए अभी हमें प्रोसीडिंग पूरी हो जाए कोर्ट की, बेल के बाद और प्रोसीडिंग्स होती हैं ऑनरेबल कोर्ट की, उसमें जमानतियों को हम श्योरिटी जो दाखिल करेंगे, उसके बाद रिलीज ऑर्डर कोर्ट से जाएगा, उसकी हम तैयारी करते हैं। सर उसका दो दोस्त जो उनका, उनके भी बेल होगी, उनकी बेल होगी, परवाना वगैरह कितने के बॉन्ड भरे हुए? उनके भी 50,000।